Hello friend, how are you? As you know, this is Dinesh Arjaluji. So today we are going to discuss about the DNA, the branch of biology. So today we are going to discuss about the DNA. So chalo DNA ko dekh lete hain. जैसे बैक वीडियो बता चुका हूँ कि डीएनए अपन का कैसे काम करता, क्या उसके फंक्शन है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डीएनए की एनाटॉमी को समझेंगे, ठीक है। एनाटॉमी को समझेंगे, डीएनए को उसको फाड़ कर देखेंगे, काट कर देखेंगे, उसके अंदर घुसकर एंट्री मारेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर फंक्शन क्या हो रहा है, क्या कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो डीएनए को समझने के लिए पहले हम डीएनए का नाम लिख लेते हैं, डीएनए। दिस इज द डीएनए, ठीक है। तो डीएनए का पूरा नाम बता चुका हूँ बैक वीडियो में, पिछले वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, दे चुका हूँ, फिर भी एक बार क्लियर कर देते हैं, रिविजन करवा देता हूँ। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो भैया आपका डीएनए का पूरा नाम सामने पड़ा, ठीक है। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलो डीएनए के अंदर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए में अगर पूछा जाए कुछ पॉइंटर्स की बात करते, ठीक है। तो अपने पास है डीएनए, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए की खोज एक्चुअली में किसने की थी, इसके ऊपर काम किसने ज्यादा किया है, उसको कैसे पुरस्कार मिला, जैसे कि आपको पता है कि वाटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज की थी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया कि नोबेल पुरस्कार मिला है, वाटसन एंड क्रिक ने इसका डिस्कवरी की, तो ये तो किसी भी जानकारी सबको दे सकता है, ठीक है। हम इसके अंदर फैक्ट की बात करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे को, स्टूडेंट को जानना चाहिए, उसको मैटर नहीं मिल पाता, ठीक है, या मिल नहीं पाता। तो हम पहले इसके बात करेंगे इसके अंदर। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वाटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज की थी डीएनए की, जिनको मिला था नोबेल प्राइज, हमारे इंडिया ने नोबेल प्राइज, हमारी गवर्नमेंट सरकार इंडिया के द्वारा उसको नोबेल प्राइज से इसको प्रपोज किया था, उसको संबोधित किया था, उसको इज्जत दी गई थी, ठीक है, कुछ भी कह दो, ढेर सारे सब्जेक्ट में। तो ये रहा आपका वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक के अनुसार डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हमको बिल्कुल बकवास पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ काम की बात करना है, इसमें एक्चुअली में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सब अगर जानकारी चाहिए तो पिछले वीडियो देखिए, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स पे बता चुका हूँ। चलिए थोड़ा सा इसके पॉइंट की बात करते हैं डीएनए के। तो डीएनए हमेशा अगर पूछ लें कि डीएनए कौन सा चार्ज रखता है, तो आपको बताना कि डीऑक्सीराइबोज नाम की शर्करा रखता है। बताओ डीएनए कौन सी शर्करा रखता है, डीऑक्सीराइबोज नाम की शर्करा रखता है, ठीक है। अगर देखा जाए कि डीएनए कौन सा चार्ज रखता है, ठीक है, डीएनए एन फॉर न्यूक्लियस या एन फॉर निगेटिव, तो निगेटिव, एन आई जी ए टी आई वी, निगेटिव चार्ज, सी एच ए आर जी ई, हमेशा डीएनए निगेटिव चार्ज रखता है, कौन सा चार्ज रखता है, निगेटिव चार्ज रखता है। दिस इज द चार्ज ऑफ निगेटिव इन द केस ऑफ डीएनए। तो डीएनए के केस में निगेटिव चार्ज में से डीएनए रखता है। थोड़ा सा एसिडिक और बेस के बारे में बात कर लेते हैं कि डीएनए क्या होता है, कौन सा प्रॉपर्टीज रखता है डीएनए, एसिडिक होता है कि बेस होता है, तो देख लेते हैं। तो डीएनए हमेशा डीएनए हमेशा एसिडिक होता है। बताओ डीएनए कौन सा स्वभाव रखता है, तो डीएनए एसिडिक है कि बेस है, तो आपको पता समझे कि डीएनए एसिडिक है। जैसे कि इसके डीएनए नाम से ही परिचित हो, जैसे वहां पर लिखा डीएनए, तो डीएनए के नाम से ही आप लोग कंफर्म हो जाना चाहिए कि उसमें क्या क्या दिया है, उसी का मतलब निकाल लिए। जैसे मैंने वहां पर लिखा डीएनए, तो भैया वहां पर लिखा डीएनए, ठीक है, वहां पर डीएनए लिखा, तो वहां पर जो डीएनए लिखा है उसी डीएनए के, इनके पहला फर्स्ट है डी, तो जो डी है तो टी ये रहा डी आपका, ठीक है, तो जो डी है
तो डी का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, क्या होता है डीऑक्सीराइबोज, जैसे मैं लिख चुका हूँ, तो डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यानी कि डीएनए हमेशा डीऑक्सीराइबोज नाम की शर्करा पाई जाती है, डीएनए में हमेशा डीऑक्सीराइबोज नाम की शर्करा पाई जाती है, क्लियर नहीं आता। अब देख लेते हैं निगेटिव, तो निगेटिव डी के बाद एन आएगा, एन एन फॉर निगेटिव, तो डीएनए हमेशा निगेटिव, एन आई जी ए टी आई डी ई, निगेटिव चार्ज रखता है, क्लियर नहीं आता, राइट या रॉन्ग, तो डीएनए हमेशा निगेटिव चार्ज रखता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है कि बेस होता है डीएनए, इसको इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो ये डी एन, यहाँ तक खत्म, ए की बात कर लेते हैं, डी एन ए, तो ए लास्ट में आ जाए, ए का ए फॉर एसिडिक, ए सी आई डी आई सी एसिडिक, तो हमेशा ऑल बेस की बात करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएनए, मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएनए ऑलवेज एसिडिक होता है, तो डीएनए कौन सा बेस रखता है, कौन सा स्वभाव रखता है, डीएनए एसिडिक होता है बेस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए एसिडिक होता है, ठीक है, पहली बात। बात नंबर टू, बात नंबर टू क्या है कि डीएनए हमेशा निगेटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिव रखता है, कौन सा चार्ज रखता है, तो यह चार्जहीन रहता है, कुछ नहीं, सिर्फ डीएनए निगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है। डीएनए कौन सी शर्करा रखता है, डीएनए कौन सी शर्करा रखता है, अगर इसकी बात की जाए, तो डीएनए हमेशा डीऑक्सीराइबोज नाम की शर्करा रखती है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ डीएनए इसी नाम में ही सब कुछ छपा है, ठीक है। जो बुढ़े बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी इसका महत्व जानते होंगे, उनको फील होगा कि वाह काम की चीज़ मिल गई भाई, काम की चीज़ है, इसको नोट कीजिए, क्लियर है। अब पूरा अगर बात की जाए डीएनए, पूरा पूरा नाम बताया जाए, उसके नाम की बात की जाए, तो डी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है उसका पूरा नाम, क्लियर ना। चलो आते हैं काम की बात में, थोड़ा सा और अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज द डीएनए, ठीक है, तो दिस इज द डीएनए, डीएनए हमारा बन गया, ठीक है। अब डीएनए के अंदर थोड़ा सा चेक करते हैं कि इसमें क्या चीजें पाई जाती है। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि हमेशा डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, दो स्टैंडर्ड है डीएनए में, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड। तो अगर इसी डीएनए को हम बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, दिस इज द डीएनए, दिस इज द डीएनए, ठीक है। तो ये जो डीएनए है, हमने माना कि ये फाइव प्राइम है, ये फाइव प्राइम है, ये थ्री प्राइम है, ये थ्री प्राइम, ठीक है। तो ये फाइव प्राइम, थ्री प्राइम, थ्री प्राइम, ठीक है। दो हमारे पास स्टैंड है डीएनए के, अगर हम दोनों स्टैंड को मोड़ देते हैं, ठीक है, मोड़ने का मतलब कि इसको उठा के इसको रख देते हैं और मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। तो जैसे कि वन और टू, टू स्टैंड है, जैसे कि ये हाथ देख रहे हैं, टू स्टैंड, ठीक है। अब दोनों स्टैंड को सामने पकड़ कर मोड़ दो, फोल्ड कर दो। जब फोल्ड करोगे तो भैया इधर वाला पॉइंट इधर रहेगा, इधर वाला पॉइंट दोनों अलग रहेंगे, लेकिन जब आगे जाएंगे दोनों का पॉइंट चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि फाइव है, थ्री है, थ्री है, ठीक है। तो इनका प्राइम तो आप दिख रहे हैं, तो जब इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो फाइव इधर है तो ठीक है, थ्री भी इधर है तो ठीक है, लेकिन जब नीचे के केस देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा थ्री, इधर हो जाएगा फाइव, इधर थ्री, इधर फाइव, कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने मोड़ दिया। जैसे कि हमने इसी डीएनए को यहाँ पे दिखाया, उसी डीएनए को हमने यहाँ पे दिखाया, नहीं मोड़ दिया। तो मोड़ने के बाद ये हम मोड़ने के पहले ये फाइव थ्री था, मोड़ने के बाद ये थ्री फाइव हो गया, ये रहा फाइव थ्री, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे, हमने तो बात किया अभी प्राइम की, प्राइम यानी स्टैंड की बात की, वो खत्म करो। हम देखते हैं थोड़ा अच्छे से, देखो थोड़ा सा, ये रहा सेगमेंट, कि मोस्ट ऑफ द डीएनए सेगमेंट पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द डीएनए सेगमेंट पाया जाता है, इसका मतलब खंड, सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है खंड। तो दिस इज द खंड, दिस इज द सेगमेंट, दिस इज द सेगमेंट, तो सेगमेंट, तो वही इन सेगमेंट के अंदर क्या होगा, तो चलो थोड़ा सेंटर मान लेते हैं। तो अगर एक सेगमेंट के अंदर ध्यान कर देखते हैं, एक सेगमेंट के अंदर घुस जाते हैं, सारे सेगमेंट में सेम बात होती है, एक सेगमेंट के अंदर चलते हैं, जब हम एक सेगमेंट के अंदर घुसेंगे तो हमको मिलेगा कि कुछ अंदर बॉन्डिंग बन रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रहा बॉन्ड, ठीक, ये डीएनए दूसरा बना दिया, सेकंड डीएनए बना दिया मैंने। अब इसी के अंदर झांक कर देखा, एक एक सेगमेंट के अंदर झांक कर देखा, तो दो लाइनें मिली हमको, एक सेगमेंट के अंदर झांक कर देखा, दो लाइनें मिली। दो लाइन का मतलब ये हो गया कि ये दो बॉन्ड बना रहा है, टू बॉन्ड, तो ये टू बॉन्ड बना रहा है। दूसरे सेगमेंट में झांक कर देखा तो तीन बॉन्ड बना रहा है, तो हम यार कंफ्यूज आ गए, मतलब ये क्या हो गया, एक में टू है, एक में थ्री है, ठीक है, चक्कर क्या है। तो देखो भैया फिर तीसरे में हमने झांक कर देखा तो उसमें दो मिल गए, दो मिले। इसके बाद फिर चौथे में झांक कर देखे तो दो मिले,
तीन मिले, फिर दो मिले, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर डीएनए के सेगमेंट में एक सेगमेंट, जब डीएनए को पकड़ो कि डीएनए घुट गया तो उसके एक सेगमेंट में दो बॉन्ड, एक सेगमेंट में तीन बॉन्ड, एक सेगमेंट में टू बॉन्ड एंड दूसरे सेगमेंट में, नेक्स्ट सेगमेंट में थ्री बॉन्ड। तो दो और तीन यानी टू और थ्री और टू और थ्री, इसी के बेस पे बॉन्ड आपको मिलते रहेंगे। इसका मतलब है कि हर सेगमेंट में बॉन्ड बनेंगे। तो चलो देख लेते हैं बॉन्ड किन किन एटम के बीच बनता है और कौन सा एटम जिम्मेदार है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस डीएनए को मैं हटा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये रहा डीएनए, ठीक है। तो एक डीएनए को हमने पकड़ा, ये फर्स्ट डीएनए को, फर्स्ट डीएनए को पकड़ा हमने, झांक कर देखा डीएनए को, पकड़ा फर्स्ट सेगमेंट को, उसके अंदर झांक कर देखा तो हमको दो दो बॉन्ड मिल गए, टू बॉन्ड। तो जो टू बॉन्ड मिले हैं, तो एक को हमने देखा कि एडेनिन था ए और टी, दूसरा टी था, दूसरा टी ए था, ठीक है। अगर अच्छे से बात की जाए तो यहाँ पर बना देता हूँ, आप आपको समझ आया होगा कि हमने एक सेगमेंट के अंदर झांक कर देखा तो हमको दो बॉन्ड मिले। वो दो बॉन्ड कौन है हम उठाकर यहाँ पे बाहर लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने एक में देखा था कि ए टी मिला था और एक में देखा था तो टी ए मिला था, यानी जस्ट उल्टा था उसी का। इसका मतलब कि दोनों में एक ही, यानी एक सेगमेंट में एक ही स्वभाव मिल रहा है। तो हमने देखा कि भैया ए टी और टी ए एक ही बात है, चाहे ए टी बोलो चाहे टी ए बोलो, उल्टा बोलो, ठीक है, चाहे सीधा बोलो, बात एक ही की हो रही है। अब एक ही का मतलब होता है कि ए ए हो गया, ए ए हो गया, टी टी हो गया, टी टी हो गया, टी टी ए ए, दोनों सेम बात है। तो अगर हम इसको यहाँ पे बराबर कर लेते कि ए हो गया, ये कॉमन ले लेते हैं ए ए को, तो ए निकल आया, टी निकल आया, ठीक है। तो टी निकला एक, ए निकला, तो टोटल ए का मतलब क्या होता है और टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ए का मतलब होता है एडेनिन, एड एन आई एन ई, एडेनाइन, एडेनाइन बोलो, एडेनिन बोलो, सेम बात है। टी बोले तो थायमिन, टी एच वाई, थायमिन, या थायमाइन बोलो या थायमिन बोलो, सेम बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक सेगमेंट में झांक कर देखा तो हमको दो बॉन्ड मिले, एक सेगमेंट में झांक कर देखा हमको दो बॉन्ड मिले। जो दो बॉन्ड मिले हैं वो एडेनिन और थायमिन के हैं, किसके हैं, एडेनिन और थायमिन के। चलो फिर दूसरे सेगमेंट में झांक कर देख लेते हैं। तो जब हम दूसरे सेगमेंट में झांक कर देखे तो हमको ऑलरेडी तीन मिल गए। ये जो तीन मिले हैं वो कौन है उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो फर्स्ट बॉन्डिंग दिस इज, ठीक है, फर्स्ट बॉन्डिंग। एंड सेकंड बॉन्डिंग की बात करते हैं तो मैं थोड़ा ये वाला साइड वाला डीएनए को रफ कर रहा हूँ, वो वहां पे समझा देता हूँ सेकंड बॉन्डिंग, ठीक है, और हमारा ये डीएनए बना ही रहेगा। चलिए सेकंड में हमने जाकर देखा हमको तीन बॉन्ड मिल गए, तीन बॉन्ड, तीनों बॉन्ड में से हमने देखा कि एक जी था, एक सी था, एक सी था, एक जी था, एक जी था, फिर सी था। मतलब कि एक जी था, एक जी था, एक सी था, और एक सी था, एक जी था, फिर सी था, फिर जी था। इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉन्ड के अंदर जो तीन बॉन्ड बन रहे हैं वो तीन बॉन्ड कहीं ना कहीं एक ही एटम से मिलकर बन रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि दो बॉन्ड बन रहे हैं लेकिन दोनों बॉन्ड एक ही एटम से मिलकर बने हैं, जैसे कि एडेनिन और थायमिन, दो बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब इसमें भी सेम बात होगी, सेम बात होगी। चलो देख लेते हैं, झांक लेते। हमने देखा कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो उनमें से जो बॉन्ड था वो कौन था, भैया पहला था जी, दूसरा था सी, ठीक है, ये जी जी और सी के बीच में बना, और फिर सी और जी के बीच में बना, और फिर जी और सी के बीच में बना, ठीक है। टोटल मिला के ये बॉन्डिंग हो गई, जी और सी, सी और जी, जी और सी, कुल मिला के सब के सब सेम है, सब के सब सेम, ठीक। तो इसका पूरा नाम क्या देख लेते हैं भैया, जी जो है, जी, जी का मतलब होता है ग्वानिन, ग्वानिन। सी का मतलब होता है साइटोसिन, साइटोसिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, क्लियर ना। तो भैया ग्वानिन और साइटोसिन, यानी कि हमने जब दूसरा सेगमेंट देखा, जब दूसरा सेगमेंट देखा तो उसमें हमने देखा जाकर कि उसमें तीन बॉन्ड बन रहे हैं और तीनों बॉन्ड एक ही एटम से मिलकर बनते हैं। उस एटम का नाम है एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो ग्वानिन साइटोसिन बोले तो यही बार बार तीन बार यही मुड़ मुड़ कर आ रहा है, रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि जी और सी, सी और जी, और जी और सी, यानी सी और जी, जी और सी, सी और जी, मतलब एक ही चीज को बार बार मोड़ा जा रहा है, तीन बार मोड़ा जा रहा है। यहाँ पे एक ही चीज को दो बार मोड़ा जा रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे तीन बार मोड़ा जाए इसलिए ट्रिपल बॉन्ड। तो डीएनए मोस्ट ऑफ द डीएनए केसेस में क्या होता है कि एक में तो डबल बॉन्ड मारेगा, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड मारेगा, इसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं मारता। तो भैया बॉन्डिंग फर्स्ट है ये, सेकेंड बॉन्डिंग ये रही आपकी, दिस इज द बॉन्डिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, सेकेंड बॉन्डिंग की बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया बॉन्ड तो कर गए, बॉन्ड तो कर गए, लेकिन कैसे बॉन्ड हुआ, ये थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा।
रफ करने के बाद में थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। ये रहा डीएनए, ठीक। हमने बड़ा सा डीएनए बनाया, इसमें हमने देखा कि भैया एक डबल बॉन्ड बना रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो भैया ये जो हम ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, देखिए समझिए, थोड़ा सा इसको और रफ करेंगे और अच्छे से डायग्रामेटिकली करेंगे ताकि हमको समझ में आए आपको। देखिए, एक दो, वन टू थ्री, वन टू। तो देखिए ये इसमें क्या कर रहा है, पहले में डबल बॉन्ड मार रहा है फर्स्ट में, सेकंड में ट्रिपल बॉन्ड मार रहा है फर्स्ट, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही मारता रहता है। देखिए इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, जैसे कि आपने आप ये तो जानते होंगे कि इनके बीच में एडेनिन, अगर डबल बॉन्ड मार रहा है तो समझ जाना एडेनिन और थायमिन होगा। एडेनिन यानी एटी, एटी के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, क्लियर ना। एटी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, और जी और सी, जी सी के बीच देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्डिंग की अगर बात की जाए तो एडेनिन और थायमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, आपके सिलेबस में भी आता है कि मोस्ट ऑफ द डीएनए का जो फर्स्ट सेगमेंट है उस सेगमेंट के अंदर अगर झांककर देखते हैं तो एडेनिन थायमिन मिलेगा, कौन मिलेगा, एडेनिन थायमिन। तो अगर एडेनिन थायमिन के अंदर झांककर देखते हैं तो कितने बॉन्डिंग करेगा, टू बॉन्ड करेगा। तो एडेनिन और थायमिन के हमेशा बीच में डबल बॉन्ड बनता है। अगर देखते हैं साइटोसिन ग्वानिन, तो साइटोसिन ग्वानिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तीन बॉन्ड मारेगा, क्लियर ना। यहां तक क्लियर हो गया, चलो अगला देख लेते हैं। ये जो डबल बॉन्ड मार रहा है एडेनिन और थायमिन, थायमिन और एडेनिन, ये जो डबल बॉन्ड मार रहा है, डबल बॉन्ड तो मार रहा है, मुझे तो पता चल गया कि इन इन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये जो बॉन्डिंग बन रही है उस बॉन्डिंग की वजह कौन है, किस तत्व का एक्चुअली में बॉन्डिंग होता है, तो देख बता देते हैं भैया आपको। यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग, अभी यहाँ पे हमने बॉन्डिंग तोड़ दिया, हमने यहाँ पे बॉन्डिंग तोड़ दिया, ठीक है। बॉन्डिंग हमने तोड़ा भी, अब ये बॉन्डिंग जो टूटी है, इसी बॉन्डिंग टूटी बॉन्डिंग को, इसी टूटे एटम को, टूटे बॉन्ड को फिर से बॉन्ड करने के लिए कौन बीच में आएगा और अपना योगदान देगा, उसकी अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन है। वो कौन है, हाइड्रोजन, HY, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो इनके बीच में बॉन्डिंग की वजह बना है। तो इनके बीच में जो मैंने बॉन्डिंग करवा दिया उसकी वजह से हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोजन। तो डीएनए के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, वो तो गलत शब्द हो गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डीएनए में डबल बॉन्ड कौन बनाएगा, एडेनिन थायमिन, ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा, साइटोसिन और ग्वानिन, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो एक्चुअली किस एटम की वजह से बन रही है, हाइड्रोजन की वजह से बन रही है। तो हाइड्रोजन की वजह से कुल मिलाकर बनती है, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ डीएनए, दिस इज द केस ऑफ डीएनए। So, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आपको मैं फिर समझा रहा हूँ एक अच्छा सा केस डीएनए के अंदर ही। देखिए आपको बता दें कि डीएनए के अंदर बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है। जैसे मैं एक टॉपिक खत्म कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरा टॉपिक चल रहा है, इसी टॉपिक के अंदर ढेर सारे टॉपिक है डीएनए के ही अंदर। तो मैं चाहूँ तो मैं एक ही डीएनए को लेकर उसके हज़ार वीडियो बनाकर आपको दे सकता हूँ अलग अलग टॉपिक में। तो डीएनए ही खुद डीएनए एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। डीएनए उसके अंदर कई कई टॉपिक्स आते हैं डीएनए के अंदर जिनको डिस्कस करना है। जैसे हम फूडिंग की बात करते हैं कि फूड हम लेते हैं तो वो किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है। जैसे जनरली सबको पता है, जनरली सबको पता है कि वो क्या करते हैं फूड के बारे में, कि भोजन लेते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए जाता है, डाइजेस्ट होकर और नीचे से निकल जाता है एनएस के रास्ते, यानी माउथ टू एनएस जाता है, ठीक है। इसके अलावा भोजन के बारे में कम जानकारी लोग रखते हैं, ठीक है। लेकिन भोजन का एक प्रोसेस होता है डीएनए, ठीक है, वो कोई नहीं जानता, शायद ही कोई जानता हो। फूड, फूड प्लस डीएनए, डीएनए ये क्या रिश्ता है, फूड पर फूड प्लस डीएनए का क्या रिश्ता है, इसको मैं समझाऊंगा। लेकिन इसको समझाऊंगा इस वीडियो में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग पास टाइम है, नेक्स्ट क्लासेस है, मेरे बच्चे आ रहे हैं,
तो मुझे उन लोगों का टेस्ट लेना पड़ेगा, तो मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बारे में क्लियर कर दूंगा कि फूड और डीएनए का क्या रिलेशन है, उसका क्या कैसा सिस्टम होता है। सो आशा करता हूँ कि मैटर समझ आया होगा। सो थैंक यू, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।